हेलो, राम राम, महादेव। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? सो आई होप कि आप लोग बहुत ही बढ़िया से होंगे। तो दोस्तों, इस वक्त सुबह के 5 बज गए हैं और हमने पानी रख दिए हैं गर्म होने के लिए। सुबह सुबह उठते ही मुझे गर्म पानी पीने की आदत है, तो मैं सुबह सुबह उठते ही पहले पानी गर्म करती हूँ और लगभग 2 से 3 ग्लास मैं गर्म पानी पीती हूँ, तभी फिर मेरे दिन की शुरुआत अच्छी होती है। तो चलिए फटाफट से पानी गर्म करके पहले पी लेते हैं, इसके बाद सबको जगाते हैं। तो लकी जग गई है, अनु को जगाते हैं। वैसे आज तो संडे है, आज इनकी है छुट्टी, लेकिन फिर भी किसी किसी का जो है आज सुबह सुबह कोचिंग है। लकी का सुबह कोचिंग है और लकी को स्कूल भी जाना है, लेकिन साथ में अनु को भी जगा देते हैं ताकि ये अपने उठ के पढ़ाई करें। उसके बाद हम चल देते हैं बर्तन धुलने। तो आज ना रात को मैंने कढ़ाई और तवा नहीं धुले थे, तो मैं इसको सुबह धुल लेती हूँ। जल्दी से इसको धुल के रखने के बाद फिर हम निकलेंगे मॉर्निंग वॉक पर। तो लगभग लगभग 6 बजने वाले हैं, तो हम निकलते हैं टहलने के लिए। तो हम और अनु के पापा, हम दोनों लोग चलेंगे टहलने। अनु रहेगी घर पे, लकी निकल चुकी है अपने स्कूल, शिवम भी उठ के अपनी स्टडी कर रहा है। तो अभी हम निकलते हैं फटाफट से मॉर्निंग वॉक। सुबह अगर 3-4 किलोमीटर टहल लो तो दिन बहुत ही अच्छा होता है। तो हम आ गए हैं मॉर्निंग वॉक के लिए डियर लवलू, और हमारे जो डियर लवलू में ये जो पार्क है ये बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ टहलने में बहुत अच्छा लगता है, पूरी हरियाली से एकदम भरा हुआ है और पूरे जो है बगीचे के बीच में इस तरह से टहलने के लिए रोड बने हैं। तो लगभग इसका जो एक राउंड है वो लगभग 1 किलोमीटर का राउंड होगा, तो उसके लगभग 4 से 5 चक्कर हम लगाएंगे। तो मॉर्निंग वॉक से वापस घर हम लौटते वक्त ही रास्ते में से ले लेते हैं जलेबी। यहाँ पे गर्मा गर्म जलेबी मिल रही है। अनु को जलेबी बहुत पसंद है, तो अनु ने जलेबी मंगाए थे तो हमने जलेबी उसके लिए ले लिए हैं। तो हम आ गए हैं घर। तो फिलहाल अभी अनु और शिवम जलेबी खा के नाश्ता कर लिए हैं, तो हम भी 1-2 जलेबी खा के पानी पी लेते हैं। मुझे भी जलेबी बहुत पसंद है, और बता दें यहाँ एकदम गर्मा गर्म जलेबी हमारे बनारस में जब सुबह सुबह मिलती है वो बहुत ही बढ़िया लगता है। तो हमने नाश्ता कर लिए हैं और अब हम बना रहे हैं खाना फटाफट से, क्योंकि हमें जाना है दरअसल गाँव। लकी गई है कोचिंग, स्कूल नहीं, कोचिंग गई है। कोचिंग से आने के बाद फिर लकी चली जाएगी स्कूल। उसके यहाँ स्कूल में कुछ प्रैक्टिस चल रहे हैं, उसके यहाँ कुछ फंक्शन प्रोग्राम है, उसी की उसको प्रैक्टिस के लिए बुलाया गया है। तो लकी चली जाएगी स्कूल। तो हम फटाफट से बच्चों के लिए थोड़ा सा खाना बना रहे हैं, क्योंकि हमें फिर जाना है भी गांव, तो अपने लिए नहीं बनाएंगे केवल बच्चों के लिए। वैसे अगर लकी को स्कूल नहीं जाना होता तो लकी खाना खुद बना लेती, लेकिन चूंकि अब उसे स्कूल भी जाना है तो वो आएगी 12-1 बजे, तब तक उसको लेट काफ़ी होगा। तो हम उनके लिए खाना बना दे रहे हैं, तो खाना भी बन गया है और हम हो रहे हैं तैयार, और अभी फटाफट से निकलते हैं गांव। हमें आज गांव पे बहुत सारे काम करने हैं, तो हम गांव ही चलेंगे और वहीं पे काम करने के बाद जब खाली होंगे तो अपना खाना हम लोग वहां पे खुद बनाएंगे, अपने लिए भी और अम्मा जी के लिए भी। तो घर से थोड़ी दूर पहुँचे थे कि ये अपनी मोबाइल भूल गए हैं घर पर, तो हम यही रास्ते में रुके हैं और वो गए अपनी मोबाइल लाने। मोबाइल लेकर आते हैं तो फिर निकलते हैं। हमारे घर जाने वाले रास्ते में ही पड़ता है ये 52 बीघे का आम का बगीचा, जो वाकई में बहुत ज़्यादा सुंदर है और यहाँ की हवा भी बहुत अच्छी लगती है। तो चलते चलते रास्ते में यह पड़ता है हमारा एक और खेत, तो हम रुक गए थे अपने धान का खेत देखने। तो ये सामने वाला हमारा है धान का खेत। तो रास्ते में ही पड़ता है हमारा एक और खेत धान का, तो हम रुक गए थे अपना ये धान का खेत देखने। देखते हैं यहाँ की धान कैसी है। तो फिलहाल धान तो कुछ ठीक है लग रही है। चलें अब आगे। तो आ गए हम घर। चलिए आते अब लग जाते हैं फटाफट काम में। तो घर पहुंचते ही हम आ गए हैं छत पर। छत पर लेते आए हैं देखिए गेहूं, और जो पिछली बार हम उड़द ओसा कर गए थे उसको लेते आए हैं, उसमें कीड़े लग रहे हैं तो उसको दिखाएंगे धूप। और चलिए डालते हैं पहले गेहूं धुल के, क्योंकि इस वक्त बज रहा है 9:30, जल्दी से डाल दें तो सूख जाएगा। धूप बहुत बढ़िया है, वैसे तो दिन भर यहाँ पर काम करना ही है। तो फिलहाल अभी छत की सफाई कर रहे हैं शिवम पापा, तो हम तब तक फटाफट से धुल लेते हैं।
ये भैया छत का नज़ारा, इतना गंदा हो गया है छत। ये सब हम लेते आए हैं, सबको धूप दिखाना है। इधर धुलनी है गेहूँ। हाँ आधा, हाँ बस। तो ये वही वाला गेहूं है जिसमें कीड़े लगे हुए थे, जिसको पिछले बार जब हम आए थे तो ओसा कर गए थे। ये वही वाला गेहूं है। तो इसको धोने में काफ़ी जो है पानी भी लग रहा है और काफ़ी समय भी लग रहा है, क्योंकि आधा तो गेहूं जो है देखिए इस तरह से ख़राब हो गया है। इस तरह से पानी के ऊपर देखिए गेहूँ जिसमें कीड़े खा गए हैं वो पानी के ऊपर आ जा रहा है, तो इसको हमें निकालना पड़ रहा है, इसलिए इसमें काफ़ी ज़्यादा समय लग रहा है। तो गेहूँ भी हमने धुल लिए हैं और उड़द भी फैला लिए हैं। तो अब चलते हैं थोड़ी सी कर लेते हैं साफ़ सफाई। तो हमारे घर के चारों तरफ जो है पेड़ है वो जो है इस तरह से छत को घेर लिए हैं कि छत पे धूप ही नहीं आ रही है और छत पे बहुत गंदगी भी हो जा रही है। तो इस वजह से जो हल्के फुल्के कुछ डाले हैं उनको छांट लेते हैं। देखा बढ़िया तो बना, तो पेड़ों की थोड़ी सी कर लेते हैं छटाई। का है से कि पेड़ के जो डार है वो आ गए हैं पूरे छत पे और छत जो है ख़राब कर दे रहे हैं। तो बस छोटी सी हल्की हल्की जो डाली है वही छाट देते हैं, उसमें निकला है बड़ा बढ़िया दतुअन। तो भैया जब गांव आए हैं तो दतुअन भी कर लेते हैं। एक डाली और छोटा सा ये वाली। तो इस वक्त 11:30 बज गए हैं और छत का सारा काम देखिए हो गया है कंप्लीट। तो छत पर का सारा काम कर लिए हैं कंप्लीट और अब हम चलते हैं नीचे। तो अभी कर लेते हैं टंकी की साफ़ सफाई। टंकी एकदम से गंदा हो गया है, बता दें पानी नहीं आ रहा था, लेकिन अब पानी आ गया है हमारे समरसेबुल में। तो अभी टंकी को चलते हैं करते फटाफट से साफ़। तो टंकी जो है काफी गंदा हो गया है, देखिए कब तक साफ होता है, अभी लाइट नहीं आई है। तो दोस्तों घर के सारे काम सारे साफ सफाई करके नहा धो के अभी को हम हुए हैं खाली। तो चलते हैं बनाते हैं खाना। हमें सुबह आते आते काफ़ी लेट हो गया था तो अम्मा जी अपने लिए खाना बना लेते, लेकिन अभी हमें अपने लिए खाना बनाना है। तो फटाफट से चलिए काटते हैं सब्जी। तो दोस्तों 2 बज गए हैं और नहा धो के हम अभी को हुए हैं खाली। तो हम खेतों में चले गए थे तो वहाँ हमें मिला थोड़ा सा करेला, तो हम चल रहे हैं करेला की सब्जी और रोटी बनाने। बहुत ज़्यादा भूख लग गया है, एकदम से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जब का उठे हैं तब से काम है काम काम है काम, एकदम भूख के मारे अब रहा नहीं जा रहा है। तो फटाफट से बनाते हैं करेला की सब्जी रोटी। तो ये हमारा खाना बनके तैयार हो गया है, करेला की सब्जी रोटी। चलिए फटाफट से खाते हैं। पूरे दिन की मेहनत के बाद यही आज खाना मिला है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं मैच और खा लेते हैं।
तो शाम के 4 बज गए हैं और हम आ गए फिर से छत पर। तो जो सारी चीज़ें हमने छत पे डाल रखे थे वो सब सूख गई हैं, तो सारी चीज़ों को उठाना था। खैर अम्मा जी आके सारी चीज़ें देखिए सब उठा के सब बोरी में सब जो है रख दी हैं। तो इसको चलिए नीचे उतारते हैं और फिर सबको व्यवस्थित करके रखते हैं। तो ये जूता हमने अपना धुल लिए थे, मेरा जूता जो है देखिए कितना बढ़िया सा चमकने लगा। इसको नीचे उतारते हैं। उठाई बनाना है। तो इसमें कीड़े ना लगे इसके लिए देखिए इसमें हम डाल देंगे कपूर। कपूर डाल के डाल सकते हैं तो कीड़े नहीं लगते। तो दोस्तों शाम के 5 बज गए हैं और हम आ गए हैं अपने खेत में। खेत घर जाने का टाइम हो गया है तो जाते जाते पहले हम सोच रहे हैं थोड़ा सा अपने खेतों में टहल लें। तो ये खेत की जुताई हो गई है, इसमें बोनी है सरसों, लेकिन अभी इसमें है नमी, तो 4-5 दिन में ये खेत तैयार हो जाएगा तो इसमें सरसों की बुआई होगी। इधर थोड़ी बहुत कुछ सब्जियाँ लगी हैं, इसी में से हम करेला तोड़ के ले गए थे सब्जी बनाने के लिए। तो अभी तो फिलहाल खेतों में कुछ नहीं है। हल्दी बहुत बढ़िया लगा है खेतों में और हम चल रहे हैं ना अपने धान वाले खेत। सोच रहे थे साहब पिछले बार जिस खेत गए थे उतर ही जाएँ वहाँ तैसा एक बार फिर से धान देख कर आएँ। तो ये हमारी हल्दी वाली क्यारी है, इसकी हरियाली देख देख के दिल मेरा एकदम खुश हो जाता है। यही खेत में बोनी है पूरी सरसों। हाँ मर्चा फरल है ढेर सा। तो भैया आ गए एक बार फिर से हम अपने खेतों के बीचों बीच और धान देख के दिल खुश हो गया है। पिछली बार जब हम आए थे तो इस क्यारी में बालियाँ निकल रही थी इसमें और इसमें नहीं निकल रही थी, तो इस बार इसमें भी बालियाँ निकल गई हैं, अच्छी बालियाँ निकली हैं। दोनों क्यारियाँ बढ़िया हैं। तो फिलहाल हमारे धान के जो है दोनों क्यारियाँ बढ़िया है। ये खेत के हम बीचों बीच से चल रहे हैं, जितना ही साइड है उतना ही खेती साइड है जो है। हमको बड़ी अच्छा लगता है हम आते हैं यहाँ। तो अब आए गए हैं तो चलते हैं काग दूठा सेल्फी ले लेते हैं। तो ये है हमारे खेतों की धान जो है, कितने सुंदर लग रहे हैं दोनों क्यारियाँ की। तो ये मेरे धान का जो खेत है वो 1 बीघे का प्लाट है पूरा, तो ये 1 बीघे में पूरा धान लगा हुआ है। ओह गिर रहे हैं यार। मज़ा आ गया। तो दोस्तों इस वक्त हम अपने खेत के बीचों बीच बैठे हैं धान के, यही देखिए बीचों बीच। बहुत गर्मी हो रही है लेकिन हमको बहुत अच्छा लग रहा है। सच बताए ना हमको बहुत अच्छा लगता है अपने खेत में हमको ऐसे बैठने। जब हमारे खेतों में फसल लगती है ना देख के हमको बहुत अच्छा लगता है। हमको कहीं सुकून नहीं मिलता है जितना सुकून हमको अपने यहाँ खेतों में मिल जाता है। अब आप ही लोग बताइए, आप लोग बार बार कमेंट करते हैं कि आ भाजी शहर क्यों आए शहर क्यों आए, बताइए हमारी क्या मजबूरी है कि हम कैसे वहाँ झेलते हैं। बस अब मेरे पास शब्द नहीं कि हम आपको बता सके। मेरा सुकून तो यही है इन सब चीज़ों के पास। तो चलिए दोस्तों अब हम निकलते हैं, काहे से कि हो रहा है लेट और अब दिन छोटा हो गया ना, बहुत जल्दी अंधेरा हो जाएगा। अभी नहीं निकलेंगे ना तो घर पहुँचते पहुँचते काफ़ी अंधेरा हो जाएगा हमको, तो फटाफट से निकलते हैं। जब तक बीचों खेते नहीं जाए सुकून नहीं मिला था हमके। और तबीयत अब ठीक बा? आज तो चलिए अब हम निकलते हैं घर बनारस के लिए। देखिए मैं निकलते निकलते सूरज डूबने लगा।
वापस चलते चलते रास्ते में हम एक जगह रुके हैं, तो यहाँ से ले लेते हैं समोसा बच्चों के लिए। जाते हैं तो बच्चे इंतज़ार करते हैं और उनको लगता है कि मम्मी पापा कुछ लेकर आ रहे होंगे, तो उनके लिए मैं यहाँ से ले लेती हूँ समोसा। तो हम लोग घर आ गए, तो भैया घर पहुँच गए एकदम से थक। तो दोस्तों हम घर पहुंच गए और एकदम से थक गए हैं, तो आज का ब्लॉग अब यहीं पे बंद करते हैं, बाकी अब मिलते हैं आपसे कल। ओके बाय।